हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीड आईटी सॉल्यूशन, जहां पे आप लोगों को जॉब, पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप, फ्री कोर्स और एजुकेशन से जुड़े वीडियोस रेगुलर ही मिलते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी के बारे में। दोस्तों, हाल ही में IBM ने अपने विंटर इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका सिलेक्शन दोस्तों इस इंटर्नशिप के लिए हो जाता है तो आपको IBM की तरफ से 20 से 25 हज़ार रुपये हर महीने ऐसा स्टाइफंड भी मिलेगा। और अगर रहेगी बात की इसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, तो दोस्तों इस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। डिपेंड करता है दोस्तों कि किस तरह के डोमेन पे आपको डाला जा रहा है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे इंटर्नशिप की जो डेट है वो भी डिसाइड होने वाली है। दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको IBM के बेंगलुरु ऑफिस को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ये एक वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप नहीं है। दोस्तों, आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो ये एक रिमोट इंटर्नशिप है, जिसके लिए आपको IBM के बेंगलुरु ऑफिस को ज्वाइन करना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर पैंडेमिक्स की वजह से शुरुआत के कुछ दिनों में प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आपको शुरुआत के कुछ दिन घर बैठे हुए काम करना होगा, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आपको IBM की तरफ से कॉल आएगा तो आपको उनके बेंगलुरु ऑफिस को जाके ज्वाइन करना होगा। दोस्तों, यहां पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहां पे इनकी तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलेगा और आपको PPO भी ऑफर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस इंटर्नशिप के पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों को, कॉलेज के स्टूडेंट को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, तो चलिए हम इस वीडियो में IBM की इस इंटर्नशिप के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके डिटेल के बारे में। तो यहां पे दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया है कि अगर आपका यहां पे सिलेक्शन हो जाता है तो ये एक रिमोट इंटर्नशिप है, जिसके लिए आपको इनके बैंगलोर ऑफिस को ज्वाइन करना होगा। यहां पे अगर बात की जाए पोजीशन टाइप की तो आप यहां पे देख सकते हैं इंटर्न लिखा हुआ है और ये एक फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए आपको IBM में 7 से 8 घंटे तक काम करना होगा। अब अगर बात की जाए दोस्तों कि कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे इन्होंने जैसे बताया है कि अगर आप BE/BTECH कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसके अलावा कोई और डिग्री कर रहे हो, अगर आप BCA कर रहे हो या फिर अगर आप MSc कर रहे हो, MCA कर रहे हो, तो ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो ब्रांच की डिमांड की है, अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर IT डिपार्टमेंट से हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। CSE और IT ब्रांच के स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका जो CGPA होगा वो 7+ होना चाहिए, आपका जो परसेंटेज है वो 70+ होना चाहिए। 10th में आपका परसेंटेज 70+ होना चाहिए, 12th में आपका परसेंटेज 70+ होना चाहिए, ग्रेजुएशन में अब तक का जो आपका परसेंटेज है वो 70+ होना चाहिए और आपका अभी कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका पीछे कोई बैकलॉग था लेकिन उसे आपने अभी तक क्लियर कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए ऐसे स्टूडेंट जो जिन्होंने अभी हाल ही में 2020 में पास आउट हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो अभी 6th सेमेस्टर में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ तभी अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों जब आप कंप्यूटर साइंस या फिर IT डिपार्टमेंट के होंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो स्किल की डिमांड की है दोस्तों, आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो अच्छा होना चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एप्टीट्यूड की एबिलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है दोस्तों वो भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने प्रेफर्ड टेक्निकल स्किल के बारे में भी बताया है कि आपको टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको टेक्निकल नॉलेज जो आपका है वो अप टू डेट होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको टीम के साथ काम करना होगा, आपको किसी भी प्रोजेक्ट को अकेले बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से एंड तक बनाइए, बल्कि जो भी प्रोजेक्ट होगा उसे टीम पे असाइन किया जाएगा और जो भी आपका रोल होना होगा वो आप प्ले करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको IBM के तरफ से मेंटर भी प्रोवाइड होगा, जो आपको बीच बीच में गाइड करता रहेगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है।
अगर आप काम करते हुए कभी बीच में फंस जाते हैं तो वो आपको गाइड भी करेगा, आपको हेल्प भी करेगा। दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई सिर्फ और सिर्फ तभी करिएगा जब आपको कॉलेज के तरफ से NOC मिल पाए, क्योंकि दोस्तों ये एक फुल टाइम इंटर्नशिप है जिसके लिए आपको डेली 8 से 9 घंटे तक IBM के लिए काम करना होगा और उनके बेंगलुरु ऑफिस को ज्वाइन करना होगा। अब अगर बात की जाए इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे एक अप्लाई का बटन मिल रहा है जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म आएगा, आप अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्किप करेंगे आपको अपने पर्सनल डिटेल को डालने के लिए बोला जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल और रिज्यूम को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपके रिज्यूम की शॉर्टलिस्टिंग होगी। IBM की टीम आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करेगी और अगर उनको आपका रिज्यूम पसंद आता है तो आपको ईमेल के माध्यम से या फिर जो भी आपने रिज्यूम पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा उसके माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आगे के राउंड फिर आपके स्टार्ट होंगे। और आगे के राउंड में दोस्तों सबसे पहले आपका एक एप्टीट्यूड राउंड होगा और टेक्निकल राउंड होगा जिसमें आपके MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसे क्लियर करेंगे, तो एक कोडिंग का राउंड होगा और फिर उसके बाद आपका HR राउंड होगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको इंटर्नशिप ऑफर हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, जहाँ पे आपको जॉब इंटर्नशिप और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के स्टूडेंट जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे स्टूडेंट दोस्तों जो अभी 6th सेमेस्टर में है, 8th सेमेस्टर में है, कंप्यूटर साइंस IT ब्रांच से हैं, उन्हें जरूर इस मैसेज को शेयर करिएगा। थैंक यू।